हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ इंदिरा मोनीज कुक बुक की तरफ से आज एक नया रेसिपी लेके। आज का रेसिपी है फायर पनीर टिक्का मसाला। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ली है थक्कर डेयरी का 200 ग्राम्स का पनीर का पैकेट, उसको मैंने क्यूब्स में काट ली है। अभी मैं ले रही हूँ दही, 3 से 4 बड़े चम्मच दही। उसमें मैं दूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप अपनी क्वांटिटी जितना बनाएंगे उतना ही देना। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी जाएगा कलर के लिए, और अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करना होगा। 1 चम्मच नमक भी मैंने ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके साथ पनीर क्यूब्स को मैरिनेट करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। पास में ही एक बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये चैनल के लिए ख़राब है और आपके आईडी के लिए भी ख़राब है। तो वीडियो को एंड तक देखना, फिर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू। थोड़ा सा हाफ स्पून कॉर्नफ्लावर मैं ऐड करूंगी इसमें। अब एक फ्राई पैन ले ली है मैंने, और उसमें 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल मैं ले लूंगी, यानी कि सरसों का तेल। गरम होते ही एक एक करके पनीर का जो मैरिनेट किया हुआ क्यूब्स था उसको मैं फ्राई कर लूंगी। अगर आपके पास चारकोल ना हो, जैसे मेरे पास नहीं था, मैंने एक कोकोनट का जो बाहर का जो हार्ड शेल होता है उसको मैंने पीसेस में काट के उसी को मैं गैस में बर्न कर रही हूँ, और उसको ही मैं एकदम बर्न हो जाने के बाद एक कटोरी में ले लूँगी और उसमें 1 चम्मच घी दे दूँगी। दे के वो जो फ्राई पैन था उसमें मैं अंदर बिठा दूँगी। उसका जो धुआँ निकलेगा इस बर्निंग कोकोनट शेल से, जो धुआँ निकलेगा उसी धुआं में वो स्मोकी वाला जो फ्लेवर होता है वो टिक्का में आ जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो। देखिए, कवर कर दिया था, कवर खोलने के बाद पूरा धुआं धुआं हो गया है, और जो पनीर टिक्का जो है, जो बनाई थी मैं, उसमें एकदम स्मोकी वाला जो फ्लेवर होता है टिक्का का वो पूरा आ जाएगा। अब कढ़ाई में मैंने सरसों की तेल ली है, उसमें मैं प्याज की पेस्ट दूंगी। एक बड़ा सा प्याज का मैंने एक पेस्ट बना ली थी, वही मैं दूंगी, और इसमें थोड़ा सा अदरक, 1/2 टीस्पून अदरक, और
थोड़ा सा इसको चलाना होगा, थोड़ा भूनना होगा अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी छोटे चम्मच के एक चम्मच हल्दी पाउडर, और मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर, वो भी छोटे चम्मच के हाफ स्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भूनना होगा। अब जो पनीर को मैरिनेट की थी उसी मैरिनेशन का जो मिक्सचर रह गया था वही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा और लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड की थोड़ा तीखा के लिए, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टोमेटो केचप, किसान का टोमेटो केचप मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। थोड़ा शुगर ऐड करूंगी यहाँ पे मैं हाफ टीस्पून। अब यहाँ पे धीरे धीरे इसमें मैं पनीर के जो क्यूब्स मैंने टिक्का बना के रखी थी वही मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फ्राई पैन पे जो टिक्का के जो मसाले थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं ड्राई रोस्ट करके रखी थी कसूरी मेथी वही मैं डस्ट करके इसमें छिड़क दूंगी। बस अब रेडी हो गया है आपका फायर पनीर टिक्का मसाला। इसको आप पराठे, रोटी या आप फ्राइड राइस के साथ भी आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।